जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि तुम सभी को पता है कि हमारा जो बायोलॉजी का बुक है वो यूनिट्स में डिवाइड है। तो पहला जो हमारा यूनिट है उसमें चार चैप्टर है। जो पहला चैप्टर हमारा है वो द लिविंग वर्ल्ड है, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ वन इज एनिमल किंगडम। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर वन, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम एंड विद फुल एनर्जी, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि बायोलॉजी होता क्या है, क्योंकि बायोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी का मतलब ही नहीं पता तो बायोलॉजी पढ़ना ही बेकार है। सो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, मतलब कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है बायोस और दूसरा है जो लोगस। तो बायोस का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइफ और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो हम लोग एक वर्ड में, एक लाइन में बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ या बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। लाइफ जिसमें होगा वो लिविंग होगा, इसका मतलब बायोलॉजी को हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। तो दोस्तों, जिस चीज़ में लाइफ हो, मतलब वो जीवित हो या वो लिविंग हो, तो उसको हम लोग बायोलॉजी कह सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल थे कौन? तो एरिस्टोटल वो थे जो पहली बार बायोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो इसीलिए हम इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और इनको हिंदी में हम लोग अरस्तु भी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बायोलॉजी को मेनली दो टर्म्स में, मतलब दो चीज़ों में डिवाइड किए हैं। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो जूलॉजी के जो फादर थे उन भी थे एरिस्टोटल, मतलब जूलॉजी को भी पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था एरिस्टोटल ने। और लेकिन जो बॉटनी है वो अलग ही ब्रांच हो गया है एक साइंस का, और वो इंट्रोड्यूस करवाए थे थियोफ्रास्टस। तो जो जूलॉजी है उसमें हम लोग मेनली जितने भी एनिमल रिलेटेड चीज़ है, मतलब हम लोग ह्यूमंस बींग एनिमल जितने भी हो गए उसके बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और 11th और 12th में, मतलब 12th में तो मिलनी नहीं है ज़्यादा यहाँ पर जूलॉजी, लेकिन बॉटनी जरूर मिलेगा हम लोग को 11th और 12th में ज़्यादातर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज लिविंग। जो हमारा चैप्टर शुरू होता है, एनसीईआरटी स्टार्ट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से, कि लिविंग क्या है। अगर कोई भी चीज़ जीवित है तो हम कैसे बोल सकते हैं वो जीवित है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बर्थ को लेता है, मतलब जन्म लेता है, फिर ग्रो करता है, धीरे धीरे डेवलप करता है, फिर मैच्योर हो जाता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फाइनली मर जाता है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, या मॉस्किटो हो, या कोई भी छोटे से छोटा चीज़ जिसमें लाइफ है, वो सारे चीजों को फॉलो करते ही अपने आप को, मतलब मरेगा तो ये सारे चीज उसमें हुई के मरेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, तो लाइफ स्पैन हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी, मतलब समय जन्म लेने और मृत्यु के बीच में जितना भी टाइम बचता है उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। इसके बाद फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी चीज़ों को बोल सकते हैं कि वो जीवित है या मृत्यु है, मतलब वो लिविंग है या मर चुका है। तो वही हम लोग का कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो दोस्तों, सबसे पहले जो होता है कैरेक्टरिस्टिक वो आता है ग्रोथ, मतलब कोई भी चीज़ ग्रोथ करता है तो उसमें लाइफ है वो हम लोग कह सकते हैं। और इसको डिटेल में हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि यार सही में ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का या नहीं। फिर आता है रिप्रोडक्शन, फिर एबिलिटी टू सेंस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब स्टिमुली मतलब कोई भी चीज़ बाहर वाले चीज़ को हम लोग सेंस कर सकते हैं उसी को हम लोग जिसको और भी कर सकते हैं सेंसिबिलिटी और कॉन्शियसनेस। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ आता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बारे में और हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। और फिर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है लास्ट जो होता है इमर्जेंस। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को तुम याद कैसे करोगे इसके बारे में तुम अभी सोच रहे होगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है, डेट इज़ ग्राम्स। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जी फॉर ग्रोथ, R for reproduction, A for ability to sense and response to stimuli, M for metabolism, और C for cellular organization, और E for emergence। तो इस एक वर्ड को याद करके तुम सारे चीज़ों को याद रख सकते हो। तो ये वर्ड हमारा एक ट्रिक के रूप में इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से वन बाई वन करके और बहुत ही डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों उससे पहले हम लोग को एक और टर्म के बारे में जानना होगा, डेट इज़ डिफाइनिंग फ्यूचर। तो कोई भी मतलब डिफाइनिंग फ्यूचर कौन से वर्ड का नाम है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये होता है कि ये मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मतलब कि डिफाइनिंग फ्यूचर वो होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलेगा, कोई भी अपवाद नहीं चलेगा। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि कोई नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रीमियम होता है या एक्सक्लूसिव होता है कि हमारे पास ही वो चीज़ होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। वैसे ही हम लोग कुछ कर सकते हैं लिविंग फीचर्स के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना। तो पहला जो हमारे पास आता है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में उनमें सेल प्रेजेंट है, ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? वो चाहे वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो एमोएबा हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सारे में एक ना एक सेल तो जरूर ही रहता है वो। और कोई से में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर में सेल होता है, कोई में बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, सिर्फ एक ही होता है उसी की मदद सारा काम करता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक सेल तो जरूर ही रहेगा। तो सारे ऑर्गेनिज्म में एक सेल रहता है, उस सेल को जब कंबाइन करता है ढेर सारे सेल तो वो टिश्यू बनता है। टिश्यू बनने के बाद ढेर सारे टिश्यू आता है तो वो एक ऑर्गन बना देता है, फिर ऑर्गन ढेर सारे आता है तो ऑर्गन सिस्टम बना देता है, और फाइनली वो एक ऑर्गेनिज्म बना देता है ढेर सारे। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल है वही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो स्ट्रक्चर है, मतलब उसी से मिलकर सारा ऑर्गेनिज्म बना है। और दूसरा फंक्शनल यूनिट भी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सारे मतलब जितने भी काम होते हैं वो सेल ही में होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, जितने भी हम लोग क्लास टेंथ में देख के आए हैं सारा काम क्या होता है, सेल ही में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो सेल है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विदाउट एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन के मतलब सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें सेल प्रेजेंट होंगे, और ये कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफाइनिंग फीचर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पहले क्या किया कि सारे चीज़ों को जाना, सेल के बारे में पढ़ा, और फिर उसको कंपेयर किया क्या वो डिफाइनिंग फ्यूचर है, क्या हम लोग कह सकते हैं जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो लिविंग है कि नहीं। इसके बाद वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म। पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितने भी हमारे शरीर में बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं बॉडी के इनसाइड, इस वर्ड पे तुम बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसको हम लोग आगे और डिटेल में जानेंगे क्यों मैं इस वर्ड पे तुमको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। डैट इज कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इनसाइड द बॉडी वो सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग इंग्लिश में कहें तो द सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब देखो दोस्तों मेटाबॉलिज्म को भी हम लोग फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो दोस्तों देखो कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, तो ये जितने भी ऐसा रिएक्शन होगा बॉडी में तो वो सारे हमारे कैटाबॉलिज्म में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, क्यों एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज में टूट रहा है। अब एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझे तो देखो दोस्तों हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है, कोई भी मतलब प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में है, जैसा कि हम लोग क्लास टेंथ में पढ़ते आए हैं, मतलब पढ़े थे डाइजेशन वाले मतलब पार्ट में। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डाल दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर देख लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि देखो एमिनो एसिड से बहुत सारे एमिनो एसिड आते हैं और वो जुड़ जुड़ के एक प्रोटीन बना देते हैं। एमिनो एसिड जो है सिंपल नेचर का होता है और जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड क्या हो रहा है, सिंपल नेचर में हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। वैसे ही जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हम लोग को CO2 और H2O देता है। तो यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज टूट रहा है सिंपल वंस में, तो ये जो है वही है कैटाबॉलिज्म जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म इसी का जस्ट अपोजिट है। हम लोग कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो सिंपल सब्सटेंस है वो जुड़ जुड़ के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं और इसको हम लोग बिल्डिंग अप रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगा, तो यहाँ पर एनर्जी यूज होता है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझे तो वही हम दोनों
दोनों एग्जाम्पल को रिवर्स कर देंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, अमीनो एसिड बहुत सारे मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं और फिर वही CO2 H2O मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो ये इक्वेशन है बैलेंस नहीं है, आप कर लेना बैलेंस। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे, दैट इज एम्पीबॉलिज्म। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोगों ने देखा था क्लास 9th में कि एम्पीबियंस होते हैं, एम्पीबियंस वो होते थे जो सी और लैंड दोनों पे रहते थे, वैसे जो एम्पीबॉलिज्म होता है वो भी सेम है, जो एनाबॉलिज्म जिसमें हो और साथ साथ कैटाबॉलिज्म दोनों हो, मतलब दोनों जब ऐड हो जाते हैं, दोनों प्लस होते हैं, उसी को हम लोग एम्पीबॉलिज्म कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो क्या होता है, कभी कभी बाहर भी होता है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब सेल में नहीं होता है, मतलब सेल फ्री सिस्टम में होता है। अब पूछोगे ये कैसे होता है, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में कैसे आता है, तो उसी को हम लोग मैम बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आता है हमारे डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सारे डाउट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर तो देखो दोस्तों, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है वो टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है। लेबोरेटरी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग मेटाबॉलिज्म जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है उसको बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तुम बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना कि जब मैंने तुमको वहाँ पर जब डेफिनेशन बता रहा था मेटाबॉलिज्म का, तो वहाँ पर इनसाइड द बॉडी बोला था, यहाँ पर इनसाइड द बॉडी यहाँ पर सब्सटेंस नहीं बन सकते, यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा, सेल फ्री सिस्टम में होगा, इसीलिए जो कैटाबॉलिज्म है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर में आता है। और ये लिविंग रिएक्शन जो होता है वो बाहर होता है और अंदर नहीं होता है, लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, ये लिविंग रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, असली में बन रहा है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स नहीं है क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी नहीं बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, सेल फ्री सिस्टम में बन रहा है। सेल फ्री सिस्टम बोले तो जिसमें सेल मतलब मौजूद ना हो, प्रेजेंट ना हो, उसी को हम लोग सेल फ्री सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो होता है मेटाबॉलिज्म को हम लोग देखते हैं कि कंपेयर करते हैं, तो दोस्तों देखो यहाँ पर कि ये प्रेजेंट है सारे ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्सेप्शन के बिना, और ये कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, तो तुम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं हाँ एकदम सही हो तुम कि मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दोस्तों अब हमारा जो आता है वो है थर्ड, ग्रोथ। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ग्रोथ क्या होता है, तुम लोग नॉर्मली देखते होगे कि बच्चा रहता है वो थोड़ा देर बड़ा होता है, फिर और बढ़ता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, तो उसी को तुम लोग कहोगे ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ एक्चुअली में होता है इंक्रीज इन मास ऑफ लिविंग, मतलब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके मास में इंक्रीजमेंट आता है तो उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ को हम लोग दो सेंस में ले सकते हैं, पहला कि इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ द सेल, अगर सेल का मास बढ़ता है या साइज बढ़ता है तो उसको ग्रोथ कहेंगे, या अदरवाइज उसका जो नंबर है वो बढ़ता चले जाए तो हम लोग सेल उसको मतलब कह सकते हैं ग्रोथ है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सारे चीज़ों में देखेंगे ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टी सेलुलर देखेंगे, फिर प्लांट देखेंगे, एनिमल देखेंगे, एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं हमारे एमोइबा बैक्टीरिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या होता है, एमोइबा एक है, छोटा सा एमोइबा है, वो ग्रोथ कर गया। ग्रोथ करने का सेंस क्या है यहाँ पर, इंक्रीज इन सेल और साइज, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ साइज और इसका जो मास है वही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो फिर क्या होता है, धीरे जैसे ही इसका मास बढ़ेगा, जैसे ही यहाँ पर मास बढ़ा वो टूट गया, रिप्रोड्यूस कर लिया और यहाँ पर डॉटल एमोइबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है वैसे ही टूट जा रहा है, रिप्रोडक्शन कर ले रहा है। लेकिन यही हम लोग ह्यूमंस के केस में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ आते हैं, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फिर देखो तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली क्या होते हैं, इंट्रेंसिक साइनोनेम होते हैं, मतलब दोनों एक समान होते हैं, दोनों एक चीज़ होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होता है, पहला ये जायगोट, मान लें कि ये चीज़ जायगोट है, तो हमारा जो जायगोट है वो डेवलप करता है, और वो जैसा कि हम लोग देखे थे कि जब फ्यूज़न होता है तो जायगोट मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम लोग क्लास 10th में देख के आ चुके हैं। तो वहाँ पर फिर जायगोट है, धीरे धीरे डेवलप ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने का सेंस वहाँ पर इंक्रीज उसका जो सेल है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका जो नंबर ऑफ सेल है वो भी बढ़ेगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6, फिर 8, 10, ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, फिर धीरे धीरे वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज़ एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद
फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर ऑफस्प्रिंग करेगा। तो यहाँ पर देखो कितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, पर धीरे धीरे यहाँ पर सेल का मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने के बाद वो सेल डिवाइड कर रहा है और उसका नंबर भी बढ़ रहा है, फिर वो एडल्ट हो रहा है, फिर रिप्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही मतलब ग्रोथ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बाद में, थोड़ा सा जैसे ही वहाँ पर मास बढ़ा सेल का और सीधे रिप्रोड्यूस कर लेता है, तो वहाँ पर पूरी तरह से मतलब जो सेल और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो साइनोनिम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली इंट्रिंसिक होता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट जो है वो पूरे अपने लाइफ स्पेन तक ग्रोथ करते रहते हैं, मतलब हाइट उनका बढ़ते रहता है, तो हम लोग उनको कहेंगे कि दे ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पेन कॉल्ड अल्टीमेट और इन्फिनाइट, मतलब उनको हम लोग कह सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं और इन्फिनाइट ग्रोथ करते हैं। लेकिन एनिमल का बात करें तो वो कुछ ही एज तक, मतलब मान लो कि 18 ईयर्स तक तो मोस्टली हम लोग का हाइट बढ़ता है, मास तो हम लोग का जिंदगी भर बढ़ता है, मतलब मोटापा तो जब चाहे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ओबेसिटी हम लोग जब चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ग्रोथ में हम लोग जैसे मतलब एक तरह से काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग जो एनिमल्स का जो होता है ग्रोथ रेट वो लिमिटेड होता है और डेफिनेट ग्रोथ होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के केस में कि ग्रोथ क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि क्या कि जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है कि जो मास होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर देखो कि नॉन लिविंग के केस में भी कभी कभी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको तुम लोग देख के बहुत ज़्यादा चकित हो गए थे क्यों हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन फ्रेंड्स जो ये ग्रोथ होता है वो नकली ग्रोथ होता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। मान लो ये पहाड़ है, पहले ये पहाड़ जो है छोटा पहाड़ है, मतलब मान लो उस पर आया होगा बहुत सारा डस्ट, डस्ट आने के बाद क्या हुआ, डस्ट रॉक मट्टी वगैरह ऐसे मतलब इस पर इकट्ठा होते गया होगा इकट्ठा, और धीरे धीरे ये क्या बन गया होगा, बड़ा सा पहाड़ में कन्वर्ट हो गया होगा। एक छोटा सा पहाड़ ये वाला एक बड़ा पहाड़ में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बड़ा पहाड़ में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी तो एक तरह से मास इसका बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी तो हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ है। लेकिन जो यहाँ पर ग्रोथ है वही बात आ जाता है, ये बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता है। और यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस ऐड होते हैं सरफेस पे, ठीक है, और सरफेस पे ऐड होते हैं ना कि बॉडी में। लेकिन लिविंग की बात करें तो इसमें सेल ही में सारा चीज होता है, सेल ही में जितने भी प्रोटोप्लाज्म वगैरह है, ये जितने भी रेस्पिरेशन, ये सारा चीज ग्रोथ वगैरह सारा चीज इसी में होता है। यहाँ पर छोटा सेल होता है, ग्रोथ जब इसको मिलता है तो वो बड़ा हो जाता है, और ये विद इन दी बॉडी होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, और ये बॉडी में जितने भी न्यू सब्सटेंस ऐड होते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग में है वो एक तरह से नकली ग्रोथ होता है, और लिविंग में एक असली ग्रोथ होता है, विद इन दी बॉडी होता है लिविंग में, और नॉन लिविंग में आउटसाइड दी बॉडी होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। और एक और पॉइंट हमारे पास है कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि अगर हम लोग बड़े हो गए, मतलब हमारा हाइट बढ़ गया, तो हम लोग फिर से छोटे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो ये पहाड़ वाला केस है या नॉन लिविंग वाला केस है, तो उसमें बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब वो पहाड़ है उस पर आके सारे चीज़ डस्ट वगैरह इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई अदर फिनोमिना हुआ जैसे कि कोई सुनामी वगैरह आया तो वो सारे डस्ट को अपने साथ बहा कर ले जाएगा, तो फिर से वो छोटा हो जाएगा। इस सेंस में वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, बाईडायरेक्शनल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होगा। और यहाँ पर लेकिन इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहे एक्सटर्नली ग्रोथ दिखा रहे हैं लेकिन उनमें भी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो नापटोल पे ये कसौटी पे खड़ा नहीं उतरा, तो ये VVI पॉइंट्स है। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स में स्टार मार्क किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना ही रखना होगा। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है इसीलिए वो लिविंग डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी शो करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट को बोला बार बार उसको आपको याद रखना है, क्योंकि वो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी काम करने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम टाइम इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वही होता है जो अपनी तरह के बच्चे को पैदा करना, उसी को रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर हम लोग क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा फ्रेशली पढ़ के आए, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हमारे सामने आते हैं, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं, इसको और डिफाइन में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, म्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, खच्चर। तो खच्चर क्या होते हैं, वो क्रॉस होते हैं हॉर्स और डोंकी के, मतलब घोड़ा और गधे के, ये क्रॉस होते हैं।
तो म्यूल बनता है। तो ये जो म्यूल होता है, जो खच्चर है, आप लोग केदारनाथ मूवी में देखा होगा कि जो सुशांत सिंह के जो रीप सुशांत सिंह के जो मूवी है केदारनाथ, उसमें जो होता है खच्चर वगैरह भी यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स म्यूल में कि वो क्रॉस ब्रीड रहते हैं, तो ये कभी भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब भी हम लोग को एक नया म्यूल चाहिए, मतलब एक और म्यूल चाहिए, तो हम लोग डोंकी और हॉर्स को जब कराएंगे साथ में रिप्रोड्यूस, तभी वहाँ पर हम लोग को एक नया म्यूल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर वैसे ही हमारा दूसरा जो वर्कर हनी भी, तो देखो फ्रेंड जो जो मधुमक्खी या छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, तो वो तो रिप्रोड्यूस वगैरह करती है और कुछ मेल भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो बीज होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो सारे फूल वगैरह को लाते हैं रस को और रिपेयर का काम करते हैं, वो नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसको हम बहुत डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में। और ये जो इनफर्टाइल ह्यूमंस कपल है, कुछ बहुत सारे बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल कपल है, वो भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो रिप्रोडक्शन है वो तो सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, जो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सेप्शन के साथ होता है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम लोगों ने तुमको बताया था पहले कि जो ग्रोथ है उसमें क्या होता था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दिखाता था कि वो कर सकता है, मतलब उसमें ग्रोथ होता था, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन इसका डिफाइनिंग फीचर ना होने का कारण एकमात्र है कि वो क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी उसमें एक्सेप्शन के साथ होता है। अब दोस्तों हमारा जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो हमारे पास दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन है, पहला है एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिविजन के माध्यम से तुम लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से एसेक्सुअल होता है, जैसे कि हम लोग बाइनरी फ्यूजन वगैरह देखे थे। फिर लेकिन जो सेक्सुअल होता है उसमें दो पेरेंट्स होते हैं और उसमें क्या होता है गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तभी एक नया जायगोट बनता है। लेकिन जो एसेक्सुअल है उसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट्स फ्यूजन ही नहीं करते हैं, यहाँ पर मियोसिस एब्सेंट रहता है, यहाँ पर मियोसिस होता है। इसको मियोसिस और ये सारे चीज़ों को और डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 12th में। अभी आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इन सारे चीज़ों को डिटेल में बनने के, आप सिर्फ यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिए सिंपली, और कुछ नहीं करना है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल है वो कॉम्प्लेक्स और स्लोअर होता है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल है उसमें कोई इवोल्यूशन में रोल नहीं होता है और इसका रिवॉर्ड होता है। तो दोस्तों जो क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं तो ये सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे, लेकिन जो क्लास 10th में इस सारी चीज़ों को नहीं पढ़े उनको समझने में हल्का दिक्कत हो रही होगी, तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास 12th में इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया गया है, अभी इसका कोई भी काम नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन, तो बाइनरी फ्यूजन वाला हम लोग देखे थे अमोइबा वाला केस, कि एक अमोइबा था वो और बड़ा होता था, फिर धीरे धीरे वो दो डॉटल अमोइबा में कन्वर्ट हो जाता था। और फिर मल्टीपल फ्यूजन भी देखे थे हम लोगों ने। फिर देखा था बडिंग, तो बडिंग में क्या होता था, एक मतलब हाइड्रा होता था, हाइड्रा मतलब हाइड्रा टाइप का, क्लास 10th में देखा था, उसमें एक बर्ड प्रेजेंट होता था, बर्ड से एक पूरा नया हाइड्रा बन जाता था। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो वो पूरी तरह से ग्रो करता था और मैच्योर होने के बाद सिंपली फ्रेगमेंट्स में टूट जाता था, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने देखा था। फिर रीजनरेशन देखा था कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो पार्ट लॉस्ट हो जाता है एक्सीडेंटली, तो वो भी या कोई भी जानबूझ के भी एक्सीडेंटली भी लॉस्ट हो जाता है तो पूरी तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता था। फिर हम लोगों ने देखा था स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर की मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाता था। तो दोस्तों यही था हमारा आज का जितना भी टॉपिक था, हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो दो कैरेक्टरिस्टिक बचा है उसको देखेंगे, डेट इज जो पहला है वो है कॉन्सियसनेस और दूसरा इमरजेंस, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों मैंने अब ये जो वीडियो है रेगुलर बेसिस पे आएगी और सारे क्लास 11th का जितना भी है वो हम लोग बायोलॉजी बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और बगल में आ रहे हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी चैनल में जो भी चीज़ अपलोड होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।